A very warm welcome to all of you once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And the topic of today's discussion is Stanford Binet Scale. Okay, and this lecture will be bilingual and useful for certain teaching examinations. And do subscribe my channel if you like the content and the delivery and you found worthy to you. Okay, so let's start. First of all, a quick recap. बात हो रही है बुद्धि की. बुद्धि का हम लोग कंसेप्ट पढ़े, हम लोगों ने उसकी थ्योरीज पढ़ी, और अब हम लोग बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की. उसमें से भी हम लोग बिने साइमन टेस्ट के बारे में, बिने साइमन स्केल के बारे में बात कर चुके हैं. और आज हमारा टर्न है दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस के टूल का, जिसका मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का के टूल का, जो कि स्टैनफर्ड बिने स्केल है. ओके, तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि बिने साइमन ने 1905 में बनाया. फिर बिने साइमन के स्केल के तीन रिवीजन आए थे 1905, 1908 और 1911 में. उसके बाद बिने के टेस्ट का ही को ही अडेप्ट करते हुए लुईस टर्मेन ने अपना स्केल बनाया, जिसको उन्होंने स्टैनफर्ड बिने स्केल का नाम दिया. और उन्होंने अपना नाम इसमें नहीं लगाया, बल्कि वो स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के थे तो उन्होंने स्टैनफर्ड का नाम यूज किया. और बिने साहब का अडेप्टेशन था इसलिए बिने साहब का नाम यूज किया, अपना नाम उन्होंने यूज नहीं किया. इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किसका टेस्ट है, बिने का है किसका है. नहीं, बिने का नहीं है, टर्मेन का है. ओके, तो इतनी बातें हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं, तो फिर से शुरू करते हैं. स्टैनफर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल इज द अमेरिकन अडेप्टेशन ऑफ द ओरिजिनल फ्रेंच बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना. हमको ये पता होना चाहिए कि बिने साहब फ्रांस के थे, फ्रेंच थे, तो फ्रेंच के टेस्ट को अमेरिका की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलित करते हुए टर्मेन साहब ने इसको बनाया है. इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1916 बाई लुईस टर्मेन, अ साइकोलॉजिस्ट एट स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, इतनी बात क्लियर है. तो हमको ईयर याद होने चाहिए कि ये कब आया है, 1916 में आया है. फिर 1916 में लुईस टर्मेन एक किताब लिख रहे हैं, क्या है उसका नाम, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड अ कंप्लीट गाइड फॉर द यूज ऑफ द स्टैनफर्ड रिवीजन एंड एक्सटेंशन ऑफ द बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल. पूरा तो इन्होंने इसके टाइटल में ही लिख दिया है, और उसमें ही ये अपने स्केल के बारे में बात कर रहे हैं. फिर इस स्केल के, देखिए, हमको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो हमसे किस तरह के सवाल आएंगे, पहला वर्जन कब आया, कितने वर्जन आ चुके हैं, इस वक्त कौन सा वर्जन चल रहा है. तो 1916 में आया, फिर 1937 में आया, 1960 में आया, 73 में आया, 86 में आया, और 2003 में आ चुका है. ओके, तो रिवाइज्ड एडिशन इसके पांच आ चुके हैं. मतलब 1916 में तो ओरिजिनल ही आया ना, पहला रिवाइज्ड एडिशन, एक 1937, दूसरा 1960, तीसरा 1973, चौथा 1986 और पांचवा 2003. यानी कि पांच अभी तक रिवीजन आ चुके हैं, और लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2003 में आया, और वही चल रहा है अभी. ओके, तो दो साल के बच्चों से लेकर बड़े तक का इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें दशाएं हैं. और इसमें क्या होता है, अच्छा हाँ, एक चीज और याद करने की है, क्या कि जब बिने साहब के टेस्ट की स्कोरिंग हो रही थी, तभी आईक्यू का टर्म इजाद किया था किसने, स्टर्न ने. और स्टर्न के आईक्यू को टर्मेन ने अपने स्टैनफर्ड बिने में भी यूज किया है, आईक्यू के कंसेप्ट को. आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. एवरीबॉडी मस्ट नो दिस. ओके, अ कंसेप्ट फर्स्ट सजेस्टेड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न. देखिए, बिने साहब फ्रांस के हैं, टर्मेन अमेरिका के हैं, और जो स्टर्न है वो जर्मनी के हैं. तो ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये भी आप याद रखिए. और ये तो जरूर ही कि आईक्यू का टर्म स्टर्न लाए, टर्मन ने उसको लिया है, एडॉप्ट किया है, उन्होंने दिया नहीं है टर्म. ओके, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग सी बातें रहती है, तो सबको क्लियर होनी चाहिए. ओके, देन आप पढ़ते हैं कैसे ये स्केल हमको इवॉल्व होके मिला, क्या 1916 में था और वहां से लेकर 2003 तक की जर्नी इसने कैसे तय की है. तो वर्किंग विद मॉड मेरिल, फर्स्ट हिज स्टूडेंट एंड लेटर अ फेलो प्रोफेसर एंड रिसर्च कोलैबोरेटर एट स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी, टर्मेन क्रिएटेड टू पैरेलल फॉर्म्स ऑफ द स्टैनफर्ड बिने. क्या हो रहा है कि 1916 में तो आ गया, उसके बाद इनको एक फेलो प्रोफेसर मिल गए जो पहले इनके स्टूडेंट थे मेरिल साहब के साथ. ये क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं. रिवाइज करते हुए ये दो पैरेलल फॉर्म बना रहे हैं.
कैसे बना रहे हैं, दे हैड प्रोवाइडेड टू स्केल्स इंस्टेड ऑफ वन. अब ये दो स्केल प्रोवाइड कर रहे हैं एक की जगह, हैव एक्सटेंडेड देम सो एज टू अफोर्ड अ मोर एडिक्वेट सैम्पलिंग ऑफ एबिलिटीज, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त योग्यताएं नाप सकें, सैंपल ले सकें उनका अपर और लोअर लेवल पे. और इन फॉर्म्स का नाम क्या दे रहे हैं वो, एल एंड एम. तो ये ऑब्वियस है कि एल लुईस टर्मेन साहब के नाम पे है और एम जो है वो मेरिल साहब के नाम पे. तो अपने अपने नाम पर इन लोग दो पैरेलल फॉर्म बना रहे हैं, एल एंड एम, किसके, सॉरी, स्टैनफोर्ड बिने के. फिर 1950 में क्या हो रहा है कि मेरिल साहब थोड़ा लीड ले रहे हैं इसकी रिवाइज करने में इसको, और ये जो दो फॉर्म थे वो 1937 में कंबाइन होके बन जा रहे हैं फॉर्म एल एम. और ये फॉर्म पब्लिश हो रहा है कब, 1960 में. तो 1916 के बाद जब पहला रिवीजन 1937 में आ रहा है तो दो फॉर्म बन रहे हैं एल एम, और 1960 में वो फिर कंबाइन होके एक ही एल एम बन जा रहा है. ओके, फिर आ रहा है 1986. 1986 में क्या हो रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल का चौथा एडिशन है ये, मूव फ्रॉम द एज स्केल फॉर्मेट, जो कि हमको पता है मेंटल एज का कंसेप्ट बिने साहब लेके आए, वो एज ग्रेड उन्होंने ये नॉर्म हमको बताया. तो ये एज स्केल फॉर्मेट से ये पॉइंट स्केल फॉर्मेट में आ रहे हैं 1986 में, टर्मन साहब का जो अडेप्टेशन चल रहा है. बिसाइड्स द न्यू एंड एक्सपेंडेड टेस्ट, द फोर्थ एडिशन प्रोवाइडेड सेवरल फैक्टर्स, मतलब कि और तो बहुत टेस्ट जोड़े जा रहे हैं, आइटम जोड़े जा रहे हैं, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है. इतने साल इसी पे काम हो रहा है, सिर्फ ये कि हमको रिवाइज करना है और बेहतर समय के अनुसार जो नई नई खोजें हो गई हैं उनके अनुसार हमको इसको सटीक बनाना है. तो कौन से और फैक्टर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट या विजुअल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब इन एडिशन टू आईक्यू. आईक्यू तो मिल ही रहा है क्योंकि हमको ओरिजिनली से आईक्यू दे रहा है ये टेस्ट स्टैनफोर्ड बिने, उसके साथ साथ हमको वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट विजुअल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी हमको डेटा मिल रहा है. ओके, ऑल्दो द प्रायर वर्जन्स हैड आइटम्स दैट रिलेटेड टू दीज फोर एरियाज, ऐसा नहीं था कि जो पिछले वर्जन थे उनमें इस पर सवाल नहीं थे, सवाल थे, बट द पब्लिश्ड टेस्ट हैड नेवर ऑफर्ड स्कोर्स फॉर दीज फैक्टर्स, लेकिन जो इसके पूर्ववर्ती हमारे वर्जन थे उस पर इस पे स्कोर नहीं मिल रहा था, मतलब हमको एक ही स्कोर मिल रहा था, कौन सा, आईक्यू. लेकिन फोर्थ एडिशन में इन पर भी स्कोर मिल रहे हैं, और द फोर्थ एडिशन आल्सो फॉर्मलाइज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ मल्टी स्टेज टेस्टिंग इन विच परफॉर्मेंस ऑन द वोकैब स्केल्स डिटरमाइंस द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सबसीक्वेंट टेस्ट, मतलब समझ में आ रहा है, मल्टी स्टेज टेस्टिंग हो गई, मतलब कि पहले वोकैब टेस्ट सबको पास करना होगा और उसके हिसाब से हम नेक्स्ट टेस्ट पर जाएंगे. तो मल्टी स्टेज, पहले वोकैब देन आगे की स्टेजेस कवर होंगी. तो जैसे जैसे टेस्ट रिवाइज हो रहा है वैसे वैसे उसको वो नवीनतम अनुकूलन की तरफ ले जा रहे हैं उसके बनाने वाले. ओके, और मोस्ट रीसेंट एंड द मोस्ट अपडेटेड वर्जन जो इसका आया है वो 2003 में आया, जो इसका फिफ्थ एडिशन है, उसको नाम क्या दिया जा रहा है, SB5, स्टैनफोर्ड बिने 5. ओके, तो ये क्या कर रहा है, attempts to carry on the tradition of the prior edition while taking advantage of current research in measurement and cognitive abilities. देखिए 1905 के बिने साइमन का ये adaptation है तो कितना पुरातन है, लेकिन 2003 तक आते आते कितनी चीजें हमको intelligence में पता चल गई, psychometrics इतनी evolved हो गई, इतना statistics जिसमें नया नया आ गया, तो हम उसको भी ले रहे हैं, मतलब पुरातन भी हमने concept ले रखा है, base ले लिया, नया research भी ले लिया है, तो इसका इसमें addition मिल रहा है, इसका एडवांटेज मिल रहा है इसमें. ओके, तो द फिफ्थ एडिशन रीइंट्रोड्यूसेस द एज स्केल फॉर्मेट फॉर द बॉडी ऑफ द टेस्ट, मतलब हम लोग 1986 में एज स्केल से पॉइंट स्केल पे आए थे और 2003 में फिर से हम एज स्केल पर जा रहे हैं. रीइंट्रोड्यूसेस प्रेजेंटिंग अ वैरायटी ऑफ आइटम्स एट ईच लेवल ऑफ द टेस्ट, और एक सॉरी हर लेवल के टेस्ट पे हमको वैरायटी ऑफ आइटम्स मिल रहे हैं. फिर क्या हो रहा है, द स्टैनफोर्ड बिने स्केल फिफ्थ एडिशन इज इंटेंडेड फॉर एग्जामिनीज बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 85 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 2 से लेकर 85 साल तक के लिए ये इतना वेरिएशन शो कर रहा है, और ये रॉयड 2003 में लिखते हैं. द SB5 टेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 domains, ये मेनली 2 आयामों में विभाजित है, कौन कौन से, वर्बल डोमेन और नॉन वर्बल डोमेन. पहले के जो वर्जन्स थे उस पर ये भी उसकी लिमिटेशंस कहीं कहीं आ रही थी कि वर्बली लोडेड है, मतलब बहुत सारे सवाल हैं सब भाषिक हैं, नॉन वर्बल नहीं है. तो जितने भाषिक सवाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कल्चर लेडन भी हो जाते हैं ना, तो हमको क्या करना है,
कल्चरली भी तो फ्री बनाना है कि हर कल्चर में उसको आप यूज कर सकें, इसलिए नॉन वर्बल डोमेन भी आया। एंड द टेस्ट मेजर्स 5 CHC फैक्टर्स, और ये जो टेस्ट है यानी कि ये जो SB5 है जो 2003 में आया है, जो लेटेस्ट है, जो पांचवा वर्जन है इनका, वो 5 CHC फैक्टर्स भी नाप रहा है। ये CHC क्या है? कैटल हॉर्न कैटल थ्योरी का से निकल के आया है CHC। कौन कौन से? फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव नॉलेज, विजुअल प्रोसेसिंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, इतनी चीजें नापी जा रही हैं SB5 में। सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज। देयरफॉर द SB5 कंसिस्ट्स ऑफ 10 सब टेस्ट्स इन टोटल दैट यील्ड कंपोजिट स्कोर्स ऑफ अ वर्बल IQ, अ नॉन वर्बल IQ एंड अ फुल स्केल IQ। मतलब समझ आया कि जो SB5 है हमको 10 सब टेस्ट में रिजल्ट इसके मिल रहे हैं, और हमको एक वर्बल IQ मिल रहा है क्योंकि वर्बल भी टेस्ट इसमें चल रहा है, वर्बल क्वेश्चंस हैं, फिर नॉन वर्बल भी आइटम्स हैं इसमें, तो नॉन वर्बल IQ मिल रहा है, और दोनों को जोड़कर एक फुल स्केल IQ भी मिल रहा है, यानी कि सिर्फ IQ एक सिंगल स्कोर इसमें हमको नहीं मिल रहा है। ओके और क्या है? The SB5 incorporates many insights implicitly designed into the early editions of the measure as implemented by Binet, Simon, Terman and Merrill, but presents them in a way that provides vast practical improvements in the areas of content coverage and psychometric characteristics। है ना, यही बता रहे हैं कि पुरानी insight भी है इसमें और नवीनतम खोजें जो हो गई उनका भी ये सम्मिश्रण है। In this way, the revolutionary work of the earlier authors has shaped the more recent enhancements and advanced of the test under Thorndike, Sattler and most recently Royd। यानी कि जो revolutionary work earlier authors का था वो तो है ही, जो इसका मूलभूत ढांचा है वो तो वहीं से बना है, लेकिन ये जैसे जैसे हमको नवीनतम एडवांसमेंट एनहेंसमेंट होता जा रहा है साइकोमेट्रिक में, साइकोलॉजी में, इंटेलिजेंस की थेरीज में, उस हिसाब से इसको शेपिंग भी की जा रही है। तो इसीलिए जो स्टैनफोर्ड बिने है वो मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है इंटेलिजेंस का, और अमेरिका में तो मोस्ट पॉपुलर, मतलब इतने इससे ज्यादा कोई भी टेस्ट पॉपुलर नहीं है वहां पर। ओके, टू इंश्योर एक्सटर्नल वैलिडिटी, और ये बहुत बढ़िया इसकी वैलिडिटी भी है, अगर इसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी है, अगर किसी स्टूडेंट पर इसको अप्लाई किया जाए और उसका बढ़िया IQ शो कर रहा है, इसका मतलब कि वो प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि इन फ्यूचर वो बढ़िया कुछ अचीव करेगा लाइफ में, है ना। तो टू इंश्योर एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड टेस्ट फेयरनेस द आइटम्स वर इवैल्यूएटेड अक्रॉस genders and among members from various cultural, linguistic, racial, ethnic and religious groups। मतलब बहुत सारा इसमें norm बना के और बहुत इसका validity और reliability check की गई और बहुत बढ़िया इसके results आते हैं। तो Stanford भी ने एक बहुत popular test है intelligence का, यानी कि measurement of intelligence का, ये बहुत बढ़िया tool है। Okay, अच्छा एक quick review लेते हैं कैसे 1916 से 2003 तक ये आया। तो एडिशन है ये 1916, 1937, 1970, 1976, 2003, फिर ये इसका स्ट्रक्चर है और ये एबिलिटीज मेजर, थोड़ा सा ये कट कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा इधर मूव हो गया है। तो स्ट्रक्चर देखिए, 1916 में क्या है, पैरेलल वोकैब टेस्ट है और सिंगल एज स्केल की बात हो रही है, और नाप क्या रहा है ये जी, जनरल इंटेलिजेंस। 1937 में ये एल और एम की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म एल वोकैब टेस्ट है, पैरेलल एज स्केल है और यहाँ पे भी नापा जा रहा है जी। 1960 और 73 में वोकैब टेस्ट है और सिंगल एज स्केल है और यहाँ पे भी जी स्केल, जी नाप रहे हैं। लेकिन 1986 में क्या हो जाता है, वोकैब रूटिंग टेस्ट है और सब टेस्ट पॉइंट स्केल से, और यहाँ ये कई चीजें नाप रहा है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट, विजुअल, क्वांटिटेटिव एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। और सॉरी सॉरी और 2003 में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। क्यों? क्योंकि वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, इसलिए हाइब्रिड। वर्बल रूटिंग टेस्ट, नॉन वर्बल रूटिंग टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल एज स्केल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट में आ गए थे 1986 में और 2003 में वापस एज स्केल पे जा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारी चीजें नापी जा रही है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्लूइड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, नॉन वर्बल IQ एंड वर्बल IQ। ओके, तो ये एक चित्र से, ग्राफ से, रिप्रेजेंटेशन से एक क्विक हम लोग रिकैप कर सकते हैं कि कैसे कैसे ये किस किस एडिशन में क्या क्या रहा इसका स्ट्रक्चर और कौन कौन सी एबिलिटी को ये मेजर कर रहा था। अच्छा, इतना बहुत है हमारे जानने के लिए, क्योंकि जनरली तो हम लोग इतना जानते हैं कि अच्छा बिने साइमन आया, फिर स्टैनफोर्ड बिने आ गया, और बहुत होता है तो ईयर वर्जन भी ज्यादातर हम लोग अपने दिमाग में नहीं रखते और किस वर्जन में क्या आया ये तो
नहीं ही देखा जाता है, क्योंकि जनरली बुक्स में भी नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है, इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें से ही ली हैं और बहुत सारी नहीं भी ली हैं, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है। तो जो और भी ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़ें तो वो फ्रूटफुल रहेगा उनके लिए। बेकर के ए 2003 में लिखा गया है, जब इसका लेटेस्ट वर्जन आया है, हिस्ट्री ऑफ द स्टैनफोर्ड बिना इंटेलिजेंस स्केल्स कंटेंट एंड साइकोमेट्रिक्स, बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू कहने से पहले, बिने साइमन कंप्लीट हो गया है, स्टैनफोर्ड बिने भी हो गया। स्टैनफोर्ड बिने का हम याद रखेंगे कि 1911 में बिने साहब की डेथ के संग हमारा बिने साइमन वहां खत्म हो जा रहा था, और वहीं से बाद में टर्मन साहब एडेप्ट कर रहे हैं बिने साइमन को, और वो 1916 में पहला उसको पब्लिश कर रहे हैं, और उसके बाद 1937 में, फिर 1960 में, 73 में, फिर 86 में, फिर 2003 में। इस तरह से इसके 5 वर्जन आए, जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2003 में आया, उसका 5th वर्जन है, और इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने पढ़ा होगा तो आप सही उत्तर देंगे उसका। ओके, सो नाउ आई से थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंजॉय माय टेलीग्राम ग्रुप टू। ओके, डन फ्रॉम माय साइड।